शी जिनपिंग 21वीं सदी की सबसे बड़ी शख्सियत। 20वीं सदी में बहुत सी मामूल शख्सियात गुजरी, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इनमें से कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं थी जो कायद आजम का मुकाबला कर सके, जिन्होंने दुनिया का नक्शा हथियार उठाए बगैर तब्दील कर दिया। और एक ऐसी ही हस्ती 21वीं सदी में है जो कायद आजम को पैरोकार बने बैठी है, यानी दुनिया का हथियार उठाए बगैर दुनिया को बदल रही है, और वह है चीन के ताहयात सदर शी जिनपिंग। सदर शी जिनपिंग के अगर माजी को देखा जाए तो ये इंतहाई सबक आमूज है। इस इंसान ने अपनी जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा एक गार में गुजारा, एक किसान बनकर खेतों में काम किया, और आज ये चीन का सदर है जिसने इस सदी के सबसे बड़ा मुआशी मंसूबा बनाया है, जिसका नाम है वन बेल्ट वन रोड, जिसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सी पैक यानी चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी। नाज़रीन, शी जिनपिंग का वन बेल्ट वन रोड एक ऐसा मंसूबा है जो दुनिया के 3 अरब लोगों को एक बेहतरीन लाइफस्टाइल देने जा रहा है। ये एक ऐसा सदर है जिसने जब सदर के लिए इलेक्शन में हिस्सा लिया तो इसकी मुखालफत में सिर्फ एक वोट डाला गया, और कहा जाता है कि वो वोट शी जिनपिंग का अपना था, और इस वक्त वो चीन के ताहयात सदर है। नाज़रीन, सन 1953 में पैदा होने वाले सदर शी जिनपिंग ने 1974 में कम्युनिस्ट पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, और पार्टी में तरक्की करते हुए 2013 में इसके सदर बन गए थे। सदर शी के वालिद को कम्युनिस्ट इनकलाब का हीरो समझा जाता है। अपने इक्तदार के पहले 5 वर्षों में शी जिनपिंग ने अपनी शख्सियत का एक हिसार कायम कर लिया। वो अवाम के रहनुमा के तौर पर उभरे, जो पसमानदा इलाकों में आम लोगों के दरमियान खड़े नजर आए, आम लोगों के साथ कतार में खड़े होकर चीजें खरीदने वाला रहनुमा। सदर बनते ही पहला काम मुल्क में करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाकर किया, छोटे बड़े हजारों सरकारी अफसरान को फारिग किया। शी जिनपिंग ने कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया, और साथ ही चीनी आयन के साथ जुड़े रहने और अदलिया में पेशा वराना महारत को फरोग को जरूरी करार दिया, ताकि चीनी खसूसियात के साथ सोशलिज्म को परवान चढ़ाया जा सके। चीन ने बैन अक्वामी मामलात में अपना जारहाना किरदार अदा करना शुरू किया, जिसमे साउथ चाइना समंदर में अपनी मुकम्मल हाकमियत करार देना, जबकि हेग में सालिसी की मुस्तकिल अदालत में इसके खिलाफ फैसला आ चुका है। उन्होंने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को गुर्बत की जिंदगी से निकाला, और दुनिया के सामने बेहतरीन मुआशी इस्लाहात रखी है। इन्हीं की वजह से आज चीन दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है। वो मुआशी सुपर पावर है, और पूरी दुनिया को तजारत के लिए अपने वन बेल्ट वन रोड मंसूबे के जरिए रोड और रेलवे से जोड़ रहा है। पूरी दुनिया इसमें शामिल है, सिर्फ 3 ममालिक अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, और जबकि ऑस्ट्रेलिया को भी इस मंसूबे में शामिल करने के इकदाम जारी किए जा रहे हैं। लेकिन ये सब मुमकिन कैसे हुआ? नाज़रीन, पाकिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से दुनिया का अहम तरीन मुल्क है, और इसके जुग्राफिया से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के सियासतदान तो कोई अहम फायदा मंद मंसूबा बना ना सके। लेकिन चीन के सदर शी जिनपिंग ने बहुत अकलमंदी से पाकिस्तान को समझा, और दुनिया के सामने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाएगा। दरअसल बात यह है, आज हर दूसरी चीज पर मेड इन चाइना लिखा होता है, इसीलिए चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि वो सुई से लेकर जहाज तक हर चीज बनाता और दुनिया को बेचता है। लेकिन चीन को दुनिया के साथ तिजारत करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसको लंबे लंबे समंदरी रास्तों से होते हुए मुख्तलिफ ममालिक तक पहुँचना पड़ता है, और दुनिया में तिजारत समंदर से ही होती है। उन्होंने वन बेल्ट वन रोड मंसूबा बनाया, जो 6 मुआशी राहदारियों के जरिए चीन को दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ जोड़ता है। लेकिन इन 6 मुआशी राहदारियों में सबसे अहम पाक चीन इक्तिसादी राहदारी है, जिसे हम सी पैक कहते हैं। ये सबसे बड़ा इक्तिसादी मंसूबा है, जिसके मुकम्मल होने पर पाकिस्तान एशिया में तजारत का मरकज बन जाएगा, यानी एशिया का टाइगर बन जाएगा। इस पर मुख्तसर से बात की जाए तो इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान के तमाम शहरों को रोड एंड रेल के जरिए जोड़ा जाएगा, ताकि तजारती सामान आसानी से आ जा सके। इसका सफर चीन के शहर काक्षर से शुरू होकर पाकिस्तान के शहर गवादर तक खत्म होता है। गवादर दुनिया के सबसे बड़े गहरे और गर्म पानियों वाली बंदरगाह है, मतलब यहाँ तिजारत सबसे ज्यादा महफूज और आसान है, और सारा साल हो सकती है। गवादर से चीन को मशरक वस्ता, अफ्रीका और वस्ती एशियाई रियासतों से मिला दिया जाएगा, यानी इस रास्ते से चीन अपना माल कम तरीन लागत में दुनिया के दूसरे मुल्क के हिस्सों तक पहुँचा सकेगा। खाली आप तेल की बात कर लें तो गवादर बंदरगाह इस्तेमाल करने से चीन को रोजाना $6 मिलियन की बचत होगी, क्योंकि चीन का इस बंदरगाह को इस्तेमाल करने से
खलीजी ममालिक से जहां से वो अपनी बेशतर तेल की जरूरियात पूरी करता है फासला 12,500 किलोमीटर से 2,500 किलोमीटर रह जाएगा। मजीद ये कि जहां चीन को इस सफर में 45 दिन तेल हासिल करने में लगते थे इस रास्ते से सिर्फ 10 दिन लगेंगे। सी पैक मनसूबा 2030 तक मुकम्मल हो सकता है। इस वक्त ये अपने दूसरे फेज में है जिसके तहत पाकिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं जिसके जरिए चीन अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में शिफ्ट कर रहा है। मतलब जो कुछ चीन में बनता है अब वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएगा, सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब पाकिस्तान में बनेगा। अब आप सोचें कि जब ये सब कुछ होगा तो पाकिस्तान कितनी तरक्की करेगा। पाकिस्तान आसानी से एशिया का टाइगर बन जाएगा और चीन ग्लोबल टाइगर बन जाएगा। बहुत से लोग इस मंसूबे पर छोटे प्रोपेगेंडे करते हुए कहते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा मंसूबा है, हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फौज थी और वो महज तजारती कंपनी नहीं थी, लेकिन सी पैक मुकम्मल तौर पर एक तजारती मंसूबा है। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का मुवाजना चाइनीज कंपनियों के साथ ना किया जाए। चीन ने आज तक किसी मुल्क पर कब्जा नहीं किया, बल्कि चीन तजारत करता है और अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीन ने कभी किसी मुल्क से बिगाड़ी नहीं। सी पैक वो मंसूबा है जिसको जितनी भी गहराई में जिस भी तरीके से और जैसे मर्जी पढ़ लें आपको ये मंसूबा पाकिस्तान के मफाद में नजर आएगा। ये वो मंसूबा है जो चीन के सदर शी चिनपिंग ने बनाया जिसके दौर में चीन ने सबसे ज्यादा तरक्की की और मुआशी सुपर पावर बन गया। नाजरीन चीन के सदर बचपन से ही एक मुनफरी शख्सियत के मालिक थे। शी के दोस्त बताते हैं कि इनके पास हिस्से मजाक के नाम की कोई चीज ना थी। वो पोकर खेलते थे, ना ही दोस्तों के साथ कहीं जाते थे। इन्हें किसी लड़की से दोस्ती का शौक भी नहीं था। वो इंतहाई पढ़े लिखे हैं। जबकि इनके वालिद को जेल जाना पड़ा तो इनका स्कूल छूट गया, लेकिन उन्होंने पढ़ाई तर्क ना की। इनके दोस्तों का कहना है कि वो हर वक्त कोई ना कोई किताब का मुताला करते रहते। आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब उन्होंने अमेरिका से PhD की, लेकिन हम आपको बताते चलें कि वो 18 वर्ष की उम्र तक वो सियासी मैदान में उतर चुके थे। उन्होंने कम्युनिस्ट यूथ लीग में शमूलियत इख्तियार की और 21 वर्ष की उम्र में बाकायदा तौर पर पार्टी के रुकन बन गए। पार्टी में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई और पार्टी की क्यादत में आगे बढ़ते चले गए। पहले फौज में शमूलियत इख्तियार की, फिर सूबाई क्यादत का हिस्सा बने और मुसलसल आगे बढ़ते गए और आखिरकार पार्टी सदर और मुल्क के सदर बन गए और अब वो ताहयात सदर हैं। याद रखें चीन के 4 ट्रिलियन डॉलर की दरामदात और बरामदात हैं और पाकिस्तान को दरामदात में 20 अरब डॉलर का हिस्सा लेने की हिकमत अमली बनाना होगी। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका भी चीन का मकरूज है। इस मुल्क की वजह से अमेरिका, भारत और इसराइल जैसी बड़ी ताकतें परेशान हैं। चीन से सीपैक के जरिए पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और रूस जैसे ममालिक को चीन ने अपने साथ मिला लिया, जिसे आज तजिया निगार दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम करने का नाम दे रहे हैं। चीन ने भारत को ईरान से निकालकर बाहर किया, जिसका चंद माह कबल तसव्वुर भी मुहाल था। हालांकि पाकिस्तान जैसे ईरान के बरादर और हमसाए ममालिक की ये एक अरसे से शदीद ख्वाहिश रही, जिसकी तकमील बिलाखिर हाल ही में चीन के हाथों हुई। ये एक इंतहाई बहादुर आदमी भी हैं। जब अमेरिका के नौ मुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा था कि वो पहले ही वर्ष आलमी इजलास बुलाएंगे और चीन जैसे मुतलिक और अनान हुकूमतों के खिलाफ जमहूरियतों का महाज बनाएंगे, लेकिन उन्होंने इंतहाई बहादुरी से अमेरिका के नए सदर जो बाइडन को साफ अल्फाज में ललकारते हुआ कहा कि अमेरिका नई सर्द जंग से बाज रहे। नाजरीन शी चिनपिंग पहले ही दुनिया के मुआशी सुपर पावर बन चुके हैं और अपने सबसे बड़े इक्तिसादी मंसूबे वन बेल्ट वन रोड के जरिए पाकिस्तान को भी एक अजीम मुआशी पावर बना देंगे। आप सदर शी चिनपिंग के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।